दोस्तों सब्सक्राइब करें और पाएं राजीव दीक्षित जी की वीडियो। और एक दिन मैं हिसाब लगा रहा था, मैंने पिछली बार जब सरकार चलती थी यहां, चिदंबरम फाइनेंस मिनिस्टर था, उस समय एक सवाल पूछवाया था लोकसभा में। सवाल यह था कि पूरे देश में कितना गुटखा बिकता, मानक चंद पान पराग वगैरह वगैरह सब मिलाकर। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ जब सरकार का जवाब आया कि पूरे देश में एक साल में 5,000 करोड़ का सिर्फ गुटखा बिकता, इसमें मावा शामिल नहीं है, कुछ भी दूसरी चीज शामिल नहीं है, सिर्फ गुटखा बिकता 5,000 करोड़ का। तो मैंने उस दिन हिसाब लगाना शुरू किया कि मान लो किसी दिन हिंदुस्तान के नौजवानों में, युवतियों में, सब में इतना संकल्प आ जाए कि वो गुटखा खाना बंद कर दें और कुछ सद्बुद्धि उनमें पैदा हो जाए, तो क्या फायदा होगा राष्ट्र का। तो राष्ट्र का कितना फायदा हो सकता है, मैंने हिसाब लगाना शुरू किया। तो एक साल अगर इस देश के लोग गुटखा ना खाएं तो 5,000 करोड़ रुपया बचेगा। ये 5,000 करोड़ रुपया इतना है कि हमारे देश में जानवर भी भोजन नहीं करते, हम गुटखा खा जाते हैं 5,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ का गुटखा खाना बंद एक साल में ही, सिर्फ हिसाब बता रहा हूं आपको, तो 1 साल का हम गुटखा नहीं खाएंगे तो 5,000 करोड़ बचेगा। अब इसका हम करें, इस 5,000 करोड़ को एनएससी में डाल दीजिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लीजिए, तो 5 साल में 2 गुना हो जाता है। तो 5,000 करोड़ का 5 साल में 10,000 करोड़ हो जाएगा, 10 साल में 20,000 करोड़ हो जाएगा, 15 साल में 40,000 करोड़ हो जाएगा, 20 साल में 80,000 करोड़ हो जाए, 25 साल में 1,60,000 करोड़ हो जाएगा और 30 साल में 3,20,000 करोड़ हो जाएगा और 35 साल में 6,40,000 करोड़ हो जाएगा। पता है कितना पैसा है ये? भारत के ऊपर जितना परदेशी कर्ज है वो सब चुकाया जा सकता है अगर एक साल हम गुटखा खाना बंद कर दें। सारा परदेशी कर्ज हम चुका सकते। तो जिस दिन से मुझको यह समझ में आया, मैंने नौजवानों को कहना शुरू किया कि भाई ये बर्बादी मत करो, ये बर्बादी तुमको बर्बाद कर रही है, देश को भी बर्बाद कर रही है। हमारे देश की बर्बादी क्या हो रही है कि पैसा डूब रहा है फालतू के काम में, अनप्रोडक्टिव है, बेकार का है, इससे ज्यादा प्रोडक्टिव दूसरे काम है जिनमें हम पैसा लगा सकते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि जब गुटखा नहीं खाएगा कोई नौजवान, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा कोई नौजवान, तो मन में जो संकल्प पैदा होता है वो महत्वपूर्ण है और वो संकल्प किसी भी आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। वाल्मीकि जैसा व्यक्ति जो डकैती डालता था, चोरी करता था, संकल्प लिया तो रामायण लिखता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जैसा बेवकूफ आदमी शादी के पहले ऐसी बेवकूफियां किया करता था, एक बार संकल्प लिया और रामचरितमानस लिखता नहीं। महात्मा गांधी ने एक दिन संकल्प ले लिया, जब अफ्रीका के एक रेलवे स्टेशन पर उनको डिब्बे में से निकाल कर फेंक दिया तो उस आदमी ने पूरी अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया। दुनिया में ऐसे 1001 उदाहरण हैं कि आदमी जब छोटे से छोटा संकल्प कर लेता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से टकराने की उसमें हिम्मत पैदा होती है। एक आदमी काफी है, एक व्यक्ति का संकल्प पूरी दुनिया को बचा सकता है, एक व्यक्ति का संकल्प पूरे राष्ट्र को कहीं से कहीं ले जा सकता है, एक व्यक्ति का लिया हुआ संकल्प पूरे राष्ट्र की दिशा बदल देता है। तो मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है कि आप संकल्प लीजिए कि आपके जीवन में व्यसन नहीं आएगा, और आप व्यसन से दूर रहेंगे तो आपका संकल्प इस देश के, इस समाज के, इस राष्ट्र के काम में आने वाला है। तो मेरा आपसे एक और निवेदन है, और ये आप बीड़ी सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान पराग, मावा, शराब सब पीना छोड़ें,